ये सबकी भावनाएं हैं माननीय, जो आवाजों के रूप में अभिवादन जो हाथ हिलाकर वो कर रहे हैं, ये आपका आदर और सम्मान है माननीय। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल बिहार श्री सत्यपाल मलिक, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी और सभी गणमान्य महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। संस्कृति संस्कारों की भूमि बिहार भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहती है। हम निवेदन करते हैं उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें ये स्मृति चिन्ह भेंट करके। भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी मूर्ति भेंट की गई। माननीय राज्यपाल बिहार का स्वागत करने के लिए मेरा आग्रह है माननीय श्री आर के सिंह से, जो कि केंद्रीय विद्युत एवं नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार में है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। माननीय मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत करेंगे माननीय श्री अश्विनी चौबे। मैं निवेदन करती हूं आप ही से, माननीय मुख्यमंत्री बिहार का स्वागत। माननीय श्री नितिन गडकरी का स्वागत करेंगे माननीय श्री नंद किशोर यादव, लोक निर्माण मंत्री बिहार। माननीय श्री रामविलास पासवान का स्वागत करने के लिए हमारा निवेदन है माननीय मंत्री बिहार श्री ललन सिंह आपसे, श्री ललन सिंह से निवेदन है कि माननीय श्री रामविलास पासवान का स्वागत करें। गौतम बुद्ध की मूर्ति प्रतिकृति शांति के प्रतीक, शांति का संदेश विश्व में गूंज रहा है जिनका। अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी से निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस हर्ष के अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। देश और दुनिया में भारत के गौरव को लहराने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण, विधायक, सांसदगण और लाखों की संख्या में मोकामा के स्टॉल में यहाँ आए हुए बहन और भाइयों, मैं बिहार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं मोकामा की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नितिन गडकरी जी तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,60,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था और आज मुझे खुशी है उसी पैकेज के अंतर्गत के 4 सड़कों का आज यहां शिलान्यास और कार्य प्रारंभ होने वाला है। गंगा नदी के तट पर 6 लेन ब्रिज के साथ ही गंगा नदी पर एक और पुल महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहा है। मित्रों, 27 वर्षों के बाद ये पहला अवसर है जब केंद्र राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार में डबल इंजन की आवश्यकता है और बिहार में डबल इंजन का असर और दिखाई पड़ने लगा है। और से मित्रों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी
आपने बिहार की बाढ़ के दौरान बिहार के लोगों की मदद की है और आपने तय किया है कि पूर्वी भारत पीछे नहीं रहेगा, बिहार पीछे नहीं रहेगा। अगर बिहार पीछे चला गया तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आइए आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इन योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आग्रह है माननीय केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान से कि कृपया इस अति महत्वपूर्ण अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय नेता और देश और दुनिया में भारत के नाम को, देश के नाम को उज्ज्वल करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहाँ हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी हैं और बिहार में जिन्होंने प्रधानमंत्री की कृपा से राज्यपाल का पद सुशोभित किया है, आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, बहुत ही देश में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम देश दुनिया में फैला हुआ है, विकास के पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरीके से बिहार में सुशासन के प्रतीक, विकास के प्रतीक भाई नीतीश कुमार जी आज जो है इस समारोह के जो है विशिष्ट जिनका योगदान काफी है और पूरे देश और दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो ये मार्ग था, चाहे जल मार्ग हो, चाहे सड़क का मार्ग हो, ये जो ठप पर गया था उसको फिर से प्रधानमंत्री की कृपा से जीवन दान दे करके और द्रुत गति से आगे बढ़ाने वाले गडकरी जी, गडकरी साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ सारे के सारे मंत्री लोग बैठे हुए हैं, आरके सिंह जी हैं, मांझी जी उधर बैठे हुए हैं, इधर जो है हम लोगों के साथी और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज को बुलंद कर रहे हैं सुशील मोदी जी हैं, हम लोगों के जो है साथी जो है रामकृपाल यादव जी हैं और हम लोगों के आदरणीय मंत्री जी जो बगल से ही जो है यहाँ नवादा से क्या कहते हैं हम लोगों के हैं, मंच पर सभी हमारे साथीगण, माताओं बहनों और भाइयों, समय बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी का शानदार कार्यक्रम पटना में हुआ और पटना के बाद इन्होंने जो है म्यूजियम, जो पटना का ऐतिहासिक म्यूजियम बना है उसका भी इन्होंने निरीक्षण करने का काम किया है और उसके बाद जो है दिल्ली भी जाना है। मैं आप सब लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आज देश दुनिया में नाम कमा रहा है। पहले प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, विदेश में जो है कोई प्रधानमंत्री का नोटिस नहीं लेता था, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे इंग्लैंड जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे जापान जाएं, चाहे चीन जाएं, चाहे रूस जाएं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। आज भारत का नाम जो है शान से आगे बढ़ रहा है, एक एक कर करके अभी तक जो है सैकड़ों योजनाएं, जनधन योजना से लेकर के जो हमारे दलित भाई हैं उनको साल में हर बैंक जो है एक लड़के को इंटरप्रेन्योर बनावे, उनको जो है उनको क्या कहते हैं उनको उद्योगपति बनावे जिससे नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने के काबिल हों, महिलाओं को जो है एक एक महिलाओं को दिया जाए, ये सारा का सारा काम जो हो रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर चीज में
और समाज का हर वर्ग का लोग, आज हमें इस बात का गर्व है। आज बिहार के राज्यपाल जहां सतपाल मलिक जी हैं, वहीं देश के राष्ट्रपति, इसी बिहार के राज्यपाल, एक दलित वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति जो है आज दिल्ली में जो है सबसे सर्वोच्च पद पर जो है कोविंद साहब जो है राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोग आपको देख करके हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये जगह जो है ये मोकामा का टाल है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। यहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर बाबा चूहड़मल का जो है यहाँ जो है मेला लगता है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में 2 दिन तक जो है लोग जो है यहाँ आते हैं। और जिस तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम पूरे देश और दुनिया में महाराष्ट्र में है, उसी तरीके से बिहार में जो है बाबा चूहड़मल का नाम है। हम एक बार आपसे आग्रह करेंगे, राज्यपाल जी तो लाएंगे, उनको यहीं के हैं, लेकिन एक बार पूरे बिहार की जनता और खास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनका जो है हार्दिक इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आवे। भाई जो है नीतीश कुमार जी इसी मिट्टी के लाल हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, यहाँ की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। यहीं से बगल से जो है हमारे क्या कहते हैं कि बीना देवी जी हैं, मुंगेर से जो सांसद क्या कहते हैं कि हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोगों के तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। गंगा हम सबके लिए शब्द नहीं, श्रद्धा है। स्वच्छ गंगा मिशन कार्य नहीं, सेवा है। ये माँ गंगे को स्वच्छ रखने के हमारे भीष्म संकल्प की उद्घोषणा है। आइए देखते हैं ये फिल्म। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन वक्त के साथ गंगा के प्रति उदासीनता के परिणाम स्वरूप कई अवांछित हालातों से गंगा में प्रतिकूल असर परिलक्षित हो रहे हैं। गंगा के किनारे बिहार में 12 जिले और 20 शहर स्थित हैं। गंगा की धारा के क्षुण प्रवाह कई प्रकार के प्रदूषण, जलीय जीवों की समस्या को ध्यान में रखकर सरकार ने नमामि गंगे योजना को सुनियोजित तरीके से लागू करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर पटना को सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी से संपूर्णता में आच्छादित करने के लिए 6 जोन में बांटकर कुल 11 प्रोजेक्ट NMCG भारत सरकार से अनुमोदित हुए हैं। इनमें से आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 4 जोन की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। जिन 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उनकी कुल लागत 738 करोड़ है। इनमें कुल 140 MLD के 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं 235 किलोमीटर के सीवरेज नेटवर्क के निर्माण होंगे। इनमें से एक एसटीपी। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सांसदगण, सभी राज्य सरकार के मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, गंगा हमारी श्रद्धा, अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस बात का संकल्प किया कि हम गंगा को निर्मल बनाएंगे।
2015 में गंगा पुनरुत्थान मिशन के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्य के लिए 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की गई और मेरा विश्वास है कि यह कठिन काम जरूर है पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस काम के संकल्प को हम निश्चित रूप से पूरे करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। गंगा की प्रदूषित करने वाले करीब 97 शहर है जिसमें 10 शहर गंगा को ज्यादा प्रदूषित करते हैं। इसमें पटना है, भागलपुर, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फरुखाबाद, हावड़ा, कलकत्ता और बाली। हमने 90 नए प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं जिसमें 13,354 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और इसके अलावा राज्य सरकार के जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं 57 उसको भी सुधार कर उसको भी हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो पटना जिले में करीब 11 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसमें से 4 प्रोजेक्ट की आधारशिला आज प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं। बेऊर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 77.85 करोड़, बेऊर सीवेज नेटवर्क 400 करोड़ और इसके साथ साथ करमालीचक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सैदपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये भी इसमें जुड़ा है। ये 4 प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथ से होगा और जो 7 प्रोजेक्ट बाकी है वो आने वाले 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूं। इन प्लांटों के बने जाने से 140 एमएलडी जल का शोधन होने लगेगा और 234 किलोमीटर की सीवेज लाइन भी डाली जाएगी। ये गंगा सफाई अभियान में बहुत महत्वपूर्ण काम है। बक्सर में 75 करोड़ की लागत से सीवर नेटवर्क, एसपीएस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 40% पूरा हो गया है, फरवरी 2019 तक वो पूरा हो जाएगा। बेऊर में 63 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम दिसंबर 2019 तक पूरा होगा। बेऊर में 226 करोड़ की लागत से सीवरेज सिस्टम के साथ सीवेज नेटवर्क का निर्माण मार्च 2020 में पूरा होगा और करमाली चक्र में 77 करोड़ की लागत से सीवेज प्लांट का काम भी 2019 तक पूरा होगा। सैदपुर में भी 185 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं उसे जोड़ने वाला नेटवर्क तैयार हो जाएगा। मुझे मालूम है कि इस मोकामा और यहाँ के टाल क्षेत्र की बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर है। आते समय मुझे बहुत लोगों ने इस बारे में कहा है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 8 दिन पहले ही गंगा में अलग अलग एजेंसीज काम कर रही है, कई इनलैंड वाटरवेज है, कई राज्य सरकार है, कई हमारा डिपार्टमेंट है। हमने गंगा बाढ़ के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निर्णय किया है, वेबकास्ट को वो काम दिया है और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता ताल क्षेत्र को मिलेगी और बाढ़ से हम आपका रक्षण करेंगे, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आज दूसरी बात खुशी यह है कि हमने राष्ट्रीय महामार्ग का बिहार में काफी बड़े प्रमाण पर काम लिया है। आज 4 प्रोजेक्ट्स जिसका भूमि पूजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिसमें करीब बहुत महत्वपूर्ण जो है जिसका शिलान्यास हो रहा है, मैं विशेष रूप से बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री जी ने बिहार का पैकेज जाहिर किया था और उस पैकेज में 55,000 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी थी। मैं बिहार की जनता को और प्रधानमंत्री जी आपको आश्वस्त किया उसके आधार पर विश्वास देना चाहता हूं, ये एक एक काम हम पूरा करके देंगे, ये विश्वास आपको मैं देना चाहता हूं। इस पैकेज में मैं जानबूझकर यह पढ़कर बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि अब यह काम नहीं होगा।
NH-82 बिहार शरीफ बरबीगा मोकामा 55 किलोमीटर 400 करोड़ रुपए काम शुरू हो गया। NH-30 पटना से कोइलवार 4 लेन 33 किलोमीटर 761 करोड़ काम का अवार्ड हो गया। NH-30 एवं NH-84 कोइलवार भोजपुर 4 लेन 44 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए काम शुरू हो गया। NH-84 भोजपुर बक्सर 4 लेन 48 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए काम अवार्ड हो गया। NH-31 बख्तियारपुर से मोकामा 4 लेन 45 किलोमीटर 1167.45 करोड़ रुपए काम शुरू हो गया। NH-31 पर मोकामा में गंगा में नदी पर 6 लेन पुल का हम निर्माण करने जा रहे हैं और वो भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। NH-31 सिमरिया से खगड़िया 4 लेन 60 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए काम शुरू हो गया है। NH-30A फतुआ हरनौत बरा 71.8 किलोमीटर 690 करोड़ रुपए काम शुरू हो गया है। NH-104 में शिवर सीतामढ़ी जयनगर नररिया 180 किलोमीटर 1101 करोड़ रुपए काम शुरू हो गया है। NH-106 बीरपुर बीहपुर 105 किलोमीटर 780 करोड़ रुपए का काम है, काम शुरू हो गया है। गोपालगंज छपरा में लेन का पेव शोल्डर का 94 किलोमीटर का 900 करोड़ का काम शुरू हुआ है। NH-28B का बेतिया से कुशीनगर तक का चौड़ीकरण 15 किलोमीटर ये 90 किलोमीटर काम शुरू हो गया है। NH-28 पर सोनी बाधा रामपुर नाका तक पेव शोल्डर का 33 किलोमीटर 206 करोड़ का काम शुरू हो गया है। छपरा से रावघाट मुजफ्फरपुर 2 लेन पेव शोल्डर NH-102 73 किलोमीटर 516 करोड़ रुपए काम शुरू हुआ है। NH-133 में पीरपेती बिहार झारखंड सीमा तक का पेव शोल्डर ये जो 10.90 किलोमीटर काम है यह पूरा हो गया है। NH-327 के सुपौल भपटाई तक पेव शोल्डर ये भी करीब काम शुरू हो गया है। अररिया टाउन सेक्शन का पेव शोल्डर से चौड़ीकरण का कार्य काम शुरू हुआ है। फोरबेसगंज जोगबानी का 4 लेन काम शुरू हो गया है। पटना गया दोबी 4 लेन जायका के फंड में काम शुरू हुआ है। भागलपुर बाईपास काम शुरू हो गया है। मुंगेर में अप्रोच रोड रेल रोड ब्रिज का अवार्ड कर दिया है, 2000 करोड़ का ब्रिज है और ये भी हमने अवार्ड कर दिया, इसका काम शुरू हो जाएगा। महेशकुंड सहरसा पूर्णिया तक पेव शोल्डर सहित चौड़ीकरण ये भी अवार्ड कर दिया, 1000 करोड़ का काम है। गया हिसुआ राजगीर नालंदा बिहार शरीफ 4 लेन जायका में काम शुरू हो गया है, 1500 करोड़ का काम है। ये NH-80 NH-81A NH-99A NH-333 एवं NH-327 को ये भी 800 करोड़ का काम शुरू हुआ है। मंझोली चिकोटी का मार्ग निर्माण भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके बाद ये काम शुरू होगा। पटना रिंग रोड इसका 1500 करोड़ का काम है, DPR बन रहा है। NH किशनगंज 4 लेन बाईपास DPR बन रहा है 250 करोड़ का। मुंगेर मिर्जा चौकी तक 4 लेन 1800 करोड़ भूमि अधिकरण और DPR बन रहा है। नरेनपुर पूर्णिया तक 4 लेन 50 किलोमीटर 978 करोड़ भूमि अधिकरण किया जा रहा है। नए घोषित NH का विकास PM पैकेज से पहले इसके भी DPR बन रहे हैं। महात्मा गांधी सेतु पर हमने 1800 करोड़ खर्चा कर रहे, मैं आने वाला था पर नाव हादसा के कारण नहीं आ पाया। मुझे खुशी है कि ये भी प्रधानमंत्री की कमिटमेंट थी, ये काम शुरू हो गया है और ये जल्दी पूरा करने की हमारी कोशिश है। NH-106 पर कोसी नदी पर पुल 20 किलोमीटर 1500 करोड़ का, इसको PIB अप्रूवल के लिए गया है, 3 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। मनिहारी से साहिबगंज तक गंगा नदी पर पुल ये 2000 करोड़ का, इसकी सुरक्षा जांच की प्रक्रिया शुरू है। बिहार में पांडुका से झारखंड में श्रीनगर को जोड़ते हुए NH पर सोन नदी का पुल 2000 करोड़, इसका DPR बन रहा है। MG सेतु के बराबर गंगा के नदी के ऊपर नया 4 लेन के पुल का निर्माण 5000 करोड़ का है, जिसका DPR बन रहा है। हमने 12 आरओबी बनाने का उस समय जाहिर किया था, उसमें 900 करोड़ रुपए के काम है, उसमें 9 कामों को अवार्ड किया गया है। नए घोषित NH के भी DPR बन रहे हैं, मैं उसमें समय नहीं गंवाना चाहता हूं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो 55000 करोड़ रुपए का हिस्सा बिहार को दिया था वो एक काम इसी समय शुरू होगा और हम आपको पूरा कर देंगे, यही विश्वास विशेष रूप से जनता को देता हूं। मैं और एक बात के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि हम लखनऊ से बालिया तक गोरखपुर होते गोरखपुर तक बालिया से गोरखपुर तक
ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें 120 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, एक्सिस कंट्रोल होगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको जमीन दी है, उपलब्ध कराई है, उनके प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि इसको पटना से भी जोड़ दिया जा सकता है, पर उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम बिहार सरकार को करना होगा। अगर ये आप करेंगे तो पटना से दिल्ली द्रुतगति एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे से भी जोड़ने का काम हम करेंगे, ये विश्वास मैं उनको देता हूं। बीटा में प्रस्तावित पटना हवाई अड्डा को पटना शहर से जोड़ने वाला शिवाला बीटा खंड में 1500 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर हम बनाए जा रहे हैं। बेगूसराय शहर की यातायात को सुगम बनाने के लिए 300 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का चार लेन फ्लाईओवर बना रहे हैं। 3000 करोड़ की लागत से खगरिया पूर्णिया तक 140 किलोमीटर सड़क को चार लेन बनाने की योजना हमने बनाई है। बहुत सी बातें ऐसी है कि मैं अभी कितना पढ़ूंगा, इसमें देरी हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विशेष रूप से गंगा नदी पर NH-19 पर 1742 करोड़ लागत से महात्मा गांधी सेतु के पुनरुत्थान का कार्य हम जल्दी पूरा करेंगे और इससे जो समांतर करीब 3700 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आश्वासन प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया था वो भी 8 लेन पथ के साथ इसका भी काम शुरू होने जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो जो बातें प्रधानमंत्री जी ने आपको दी थी वो हमने की है। जलमार्ग के विकास में 4 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। गंगा में काफी बड़ा काम शुरू हुआ है, पटना से हल्दिया तक जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है हवाई जहाज को कंट्रोल करने के लिए, वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का इनॉग्रेशन हो गया है। 80 करोड़ रुपए की लागत से कालूघाट में रेल रोड और इंटर मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ हमने 6 हेक्टेयर जमीन के लिए आपके पास प्रस्ताव दिया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जो रोरो टर्मिनल है बिहार में वो 180 करोड़ रुपए लागत वाले 6 टर्मिनल प्रस्तावित है, जिसका DPR बना है, वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। मनिहारी, कहलगांव, टेंटांगा, बख्तियारपुर, मन्नर, बक्सर, मेरा अनुरोध है कि इसके लिए छोटी छोटी लैंड लगती है, वो अगर मिल जाएगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा। गंगा नदी में गहराई करने के लिए 3 मीटर का ड्राफ्ट और 45 मीटर वीड के लिए हम काम कर रहे हैं। 882 करोड़ रुपए का काम हमने अलॉट कर दिया है और मैं विश्वास के आपको साथ देना चाहता हूं कि इसके निश्चित रूप से ये काम से बिहार की आर्थिक विकास और प्रगति में काफी परिवर्तन होगा। गंडक नदी से बहकर भारी मात्रा में मिट्टी जमा होती है जिससे गंगा नदी की गहराई कम होती है और इसलिए हम लोग मिट्टी को रोकने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। फ्लोटिंग टर्मिनल 12 करोड़ के बना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये काम होगा। बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिया था, जो पैकेज जाहिर किया था, वो पूरा होगा। बिहार की तरक्की होगी, बिहार का विकास होगा और समृद्ध, संपन्नशील, विकसनशील बिहार का, एक आर्थिक प्रगति का, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, नीतीश जी का सपना हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे, यही विश्वास देता हूं। नंद किशोर जी ने बताया है कि मोकामा से मुंगेर 4 लेन हाईवे बनाने हैं, वो ऑलरेडी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि ये 4 लेन हाईवे आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। अब हमारा आग्रह है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से कि कृपया इस पुण्य पावन अवसर पर हम सभी को संबोधित करें, अपनी मंगल कामनाएं दें। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग, पोत परिवहन, जल संसाधन,
श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण श्री रामविलास पासवान जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह जी, रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री श्रवण कुमार जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री सुरेश शर्मा जी यहां पर उपस्थित, अन्य माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, यहां उपस्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भी उन्होंने भाग लिया, नवनिर्मित बिहार संग्रहालय का भी निरीक्षण किया और आज इस टाल क्षेत्र में यहां पधारे। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि आप जहां उपस्थित हुए हैं यह मेरा संसदीय क्षेत्र रहा और इस क्षेत्र के लोगों ने मुझको 5 बार चुनकर लोकसभा भेजा और अगर इस क्षेत्र के लोग मुझको एमपी नहीं बनाते, लोकसभा में नहीं भेजते, तो शायद बिहार में और बिहार के बाहर लोग मुझको जान नहीं पाते। इसलिए यहां के लोगों का जो मेरे ऊपर एहसान है, जो उपकार है, उसको मैं इस जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। इसलिए जब आपके कार्यक्रम की बात हुई तो मेरी समझ से यह सबसे उपयुक्त जगह थी और हमने यही सुझाव दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि सब लोगों ने इसे स्वीकार किया और इस स्थान पर आप आज उपस्थित हुए। ये टाल क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये 1016 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा का पूरा टाल क्षेत्र फतुहा से शुरू होकर बढ़िया तक है, 7 टाल क्षेत्रों में विभक्त है और 1,07,000 हेक्टेयर जमीन है यहां। और टाल क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं, टाल का मतलब ताल। ये पूरा का पूरा इलाका इस स्थिति में अवस्थित है और यहां इतनी बड़ी आबादी है इस पूरे टाल क्षेत्र में, कभी टाल क्षेत्र में कोई जाए देखे कि प्रारंभ से ही लोग कितने जागरूक थे। 4 महीने लगातार इस क्षेत्र में पानी भरा रहता है लेकिन टाल क्षेत्र के जो गांव हैं उन्होंने थोड़ा ऊंचाई पर अपने गांव को बसाया। पर्यावरण के प्रति सजग और सचेत प्रारंभ से ही लोग रहे हैं। तो आज
मैं इस धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नितिन गडकरी जी का दोनों जो मंत्रालय है उसी से संबंधित आज विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यारंभ और शिलान्यास किया गया है। मैं इसके लिए गडकरी जी को भी बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि आज बख्तियारपुर से मोकामा तक का फोर लेन और फिर यहां से गंगा नदी पर एक नया 6 लेन का ब्रिज, इसके अलावे महेशखूंट सहरसा पूर्णिया पेप्ड सोल्जर सहित 2 लेन का निर्माण, बिहार शरीफ बरबीघा सरमेरा होते मोकामा तक के सड़क का पेप्ड सोल्जर सहित 2 लेन का निर्माण, और मैं इसके लिए तो विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। इसको नेशनल हाईवे नितिन गडकरी जी जब मेरे जिम्मे कुछ माह के लिए आदरणीय श्रद्धेय अटल जी ने ये जिम्मेवारी सौंपी थी उसी समय हमने इसको एनएच बनाया था और मुझे खुशी है कि आप उसको अब 2 लेन विथ वेब सोल्जर करने वाले और आज उसका कार्यारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है और आपने बिहार की विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा कर दी, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपने करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा सड़क के संबंध में और वह यह है कि आपने तय कर लिया है हम लोगों का जो हाल का अभी पटना में नया पुल बना है जिसका नामकरण हम लोगों ने जेपी के नाम पर किया है जेपी सेतु, उस सेतु के समानांतर भी हमारे पथ निर्माण मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी से आपने चर्चा के दौरान उसको भी उसके पैरेलल एक पुल बनाने के की सैद्धांतिक सहमति दी है। उसके अलावे पटना के गांधी सेतु के समानांतर पुल बनाने के लिए आपने स्वयं ऐलान किया और यहां मोकामा के राजेंद्र सेतु के समानांतर भी आपने 6 लेन पुल का आज कार्यारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करवाया है। हमारा एक ही विनम्र आग्रह है कि इसके आगे भागलपुर है, ऐतिहासिक जगह है, विक्रमशिला है, विक्रमशिला सेतु है और आपने अभी जो घोषणा की मैं आपको बता दूं कोसी इलाके से भागलपुर को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कोसी नदी पर वहां विजय घाट पुल का निर्माण किया है और उसके समानांतर बिहपुर बीरपुर नेशनल हाईवे में भी आपने अभी ऐलान भी किया एक और कोसी नदी पर सेतु का आप निर्माण करने वाले हैं। ये 2 सेतु के निर्माण होने के बाद पहले से ही जो विक्रमशिला सेतु है वो जाम रहता है, उसकी चौड़ाई कम है, इसलिए राज्य सरकार ने पहले से ही सोच रखा कि जब 2-2 पुल उधर बनेगा और इधर से उधर का आवागमन बहुत ज्यादा है इसलिए विक्रमशिला सेतु के समानांतर भी एक 4 लेन का पुल आप बनवा दीजिए, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे भागलपुर में। यह भी उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी और बहुत आवश्यक। दूसरी बात, आपने चर्चा कर दी एक्सप्रेस हाईवे की दिल्ली से लेकर और हमको मालूम है गोरखपुर नहीं, आप उसको गाजीपुर तक ले जा रहे हैं। गाजीपुर हमारे बक्सर के दूसरी तरफ है और बक्सर में एक सेतु है, उसके समानांतर भी आप सेतु बनाकर बक्सर से भी उसको जोड़ेंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वह भी आप काम करने वाले हैं, लेकिन मेरी एक करबद्ध प्रार्थना, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा, बक्सर बहुत ऐतिहासिक जगह, आपको मालूम है विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं, जिनको अध्यात्म में विश्वास है वो जानते हैं कि भगवान राम वहां पढ़े थे, वो गजब का स्थल है बक्सर, उसको मिनी काशी भी बहुत लोग कहते हैं, यह उसकी महत्ता है बक्सर की और ऐतिहासिक भी महत्ता उसकी है। वहां चौसा नाम की ऐतिहासिक जगह है और आप अगर जाएंगे तो आपको जो कुछ भी एक से एक ऐतिहासिक चीजें वहां हैं। हमारा आग्रह होगा कि यह बक्सर, पटना से बक्सर तो 4 लेन बन रहा,
और बक्सर को फिर गाजीपुर से भी आप जोड़ेंगे और गाजीपुर से गोरखपुर होते हुए लखनऊ होते हुए दिल्ली तक भी जाएगा और हमारे यहां शेरशाह जो हाईवे है शेरशाह सूरी मार्ग जिसको जीटी रोड कहा जाता था उससे भी चौसा होते हुए उसकी कनेक्टिविटी है लेकिन वो थोड़ी लंबी कनेक्टिविटी है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बक्सर से सीधे बनारस को जोड़ने के लिए एक और सड़क का निर्माण करिए। आपको पता नहीं बक्सर कितने लोग जाते हैं बनारस बिहार के। अगर यह रास्ता बन जाएगा तो न उनको गाजीपुर होकर जाना पड़ेगा न उनको फिर इधर चौसा से रामगढ़ होते हुए फिर जीटी रोड पकड़कर जाना पड़ेगा। वो स्ट्रेट लाइन बक्सर से सीधे बनारस पहुंच जाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है काशी और बिहार के लोगों की बड़ी श्रद्धा है काशी से, इसलिए यही प्रार्थना है बक्सर को सीधे आप बनारस से जोड़ दीजिए या हम आपसे कहेंगे बनारस के पास जो जीटी रोड का हिस्सा है वहां से उसको जोड़ दीजिए, गाजीपुर साइड से भी जोड़िए। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी लैंड एक्विजिशन में जितनी तेजी लाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे। ये तो हम लोगों के हित में है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करके लोगों से आग्रह करेंगे और जमीन का अधिग्रहण कराने में पूरी सहायता और मदद करेंगे। इसलिए इसके लिए आप जरूर निश्चिंत रहिएगा इन चीजों का। और बाकी सब चीजों के बारे में आप बहुत कुछ कहा है, मैं उन चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा करके वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ मेरा अनुरोध था उसमें दो चीज ये मिसिंग था इसलिए हमने आपसे आग्रह किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपने आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत पटना में सीवेज से संबंधित चार योजनाओं का भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं आपसे आग्रह करूंगा और हम लोगों ने बिहार में इसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया है, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका सब जगह लगना जरूरी है। आप गंगा के निर्मलता की बात करते हैं, हम तो निर्मलता और अविरलता दोनों को मिलाकर देखते हैं और दोनों का संबंध अन्योन्याश्रय है, एक पहले और एक बाद नहीं है। अविरलता के लिए निर्मलता, निर्मलता के लिए अविरलता, ये दोनों चीजें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं। और मेरी अपनी समझ है और इस पर हमने बहुत लोगों से चर्चा की कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगता है और फिर उस पानी को हम नदी में डाल देते हैं, अब ये पटना का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसके पानी को पुनपुन नदी में डालेंगे, वही पुनपुन नदी फतुहा में गंगा नदी में मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो बिहार है ये गंगा रिवर बेसिन में, पूरा का पूरा बिहार, कोई भी हमारी नदी है वो सब नदी अंततो गत्वा गंगा में ही मिलती है। इसलिए किसी भी नदी में पानी, गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद भी हम आग्रह करेंगे, इस पर गौर करिए कि इस पानी को भी हम सब लोगों को नदी में नहीं बहाना चाहिए बल्कि उस पानी को और थोड़ा बहुत ट्रीट करके सिंचाई के पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने बिहार और पटना में हमने अपने नगर विकास विभाग, कृषि विभाग और हमारा जो जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग है, दोनों को ये जिम्मेवारी सौंपी है कि इस काम को करिए और गंगा की निर्मलता और अविरलता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया है गंगा तट पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो बढ़ावा देंगे उसमें ये सीवेज ट्रीटमेंट से जो पानी है उसको थोड़ा और ट्रीट करने के बाद उसका इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। तो यह सब काम हम लोग करना चाह रहे हैं तो इसलिए इसमें भी आप दीजिएगा। और एक प्रार्थना हम करेंगे गडकरी साहब, आप कभी समय दीजिएगा, आपसे हम मिल करके और चर्चा करेंगे गंगा की अविरलता पर। ये जो आप सोच रहे हैं यहां इतना बड़ा सिल्ट की समस्या है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत संज्ञान में लिया और इसके बाद हम लोगों के आग्रह पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। एक्सपर्ट कमेटी इन सब चीजों को देखेगी कि गंगा की अविरलता बरकरार रहे, जो सिल्ट की समस्या है उसका समाधान हो। आप जानते हैं मुंशीजों की चर्चा नहीं करना चाहते लेकिन जो फरक्का में बना हुआ है बराज,
अब उसके चलते धीरे धीरे सिल्ट डिपॉजिट बहुत होता जा रहा है। कई कारण, ऊपर से जो इको फ्लो है उसमें कमी आई, अप स्ट्रीम में कई प्रकार के प्रोजेक्ट लगे, इसलिए हम लोगों के यहाँ जो गंगा नदी में जितना फ्लो था आज वह फ्लो नहीं है, इसलिए सिल्ट डिपॉजिट जाता होता जा रहा है। इसलिए कृपा करके अगर किसी चीज पर इसके बारे में, वाटरवे के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो तो उसके बारे में फिर एक बार और चर्चा करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है और वो एक्सपर्ट्स की कमेटी को एक समय दिया गया है, वो ये सारा काम करेंगे, इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान देंगे। और एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं ये सब टाल क्षेत्र के निवासी हैं, और आपने टाल क्षेत्र की चर्चा कर दी, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब केंद्र में हम लोग थे आदरणीय अटल जी की सरकार में, तो उस समय केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के द्वारा टाल क्षेत्र के लिए एक योजना स्वीकृत की गई जिसमें 63 अदद पैनों का जीर्णोद्धार और 74 अदद जमींदारी बांध का उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया गया था। अब इसके बाद जो टाल क्षेत्र की और समस्या है, जब मैं एमपी भी नहीं बना था, मैं 88-87 की बात आपको बता रहा हूं, मैं हरनौत का विधायक था और तब टाल क्षेत्र के लिए संघर्ष समिति बनाकर ये टाल क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए, टाल योजना के लिए मैं वकालत करता रहा हूं, तो जो भी संभव हुआ किया। अब इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरा अध्ययन करके राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा टाल क्षेत्र के समुचित विकास, बेहतर जल संचयन एवं जल प्रबंधन हेतु लगभग 1,892 यानी 1900 करोड़ रुपए की टाल योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया, और इसमें से 188 करोड़ की योजना की स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किया गया है। टाल योजना के लिए जिसकी आपने चर्चा कर दी, मुझे तो बेहद प्रसन्नता हो गई कि अब आपने आकर मोकामा में टाल क्षेत्र की समस्या के लिए और इसके समाधान की बात आपने कह दी। टाल क्षेत्र की समस्या जो कोई बाढ़ की उस तरह की समस्या नहीं है, यह पृथक समस्या है। यहां जल आना ही है 4 महीना, समय पर जल निकले और अन्य प्रकार की समस्याएं, तो टाल क्षेत्र की विशिष्ट समस्या है और इस पर कई बार विशेषज्ञों की टीम ने पूरा अध्ययन किया, तो आप अगली बार जब समय देंगे तो हम तो टाल क्षेत्र के बारे में आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे, प्रस्तुतिकरण कर देंगे। योजना का प्रारूप तैयार है और उसके एक हिस्से में हम लोगों ने काम भी शुरू किया है, आपकी मेहरबानी होगी तो पूरी योजना स्वीकृत करके और पूरे टाल क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा, विकास हो जाएगा, और इस टाल योजना का हमारे क्षेत्र के लोग सपना देखते, दशकों से सपना देखते हैं, उसमें उनको एक सहायता मिलेगी। इसलिए बहुत खुशी की बात है, इसी इलाके में हुआ और देख लीजिए यहां पर कार्यक्रम तय हो गया, इसके बाद पानी पड़ गया, तो यहां के मिट्टी की खासियत है, लोगों को परेशानी होने लगी कि भाई क्या पता प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है क्या होगा, लेकिन मैंने पटना से ही सबको कहा इत्मीनान से अपनी तैयारी करिए, सब कुछ ठीक रहेगा, और आज देख लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, मिट्टी की भी स्थिति ठीक है। तो ये कार्यक्रम यहां तय करके बहुत अच्छा काम किया, और इस अवसर पर मैं तो यही कहूंगा कि मेरा क्षेत्र रहा है, इसलिए इस नाते भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और नितिन गडकरी जी से जो हमारी अपेक्षाएं हैं मुझको पूरा विश्वास है। जब पहले एनडीए की सरकार बिहार में थी तो नितिन गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, तो इनसे बहुत बातचीत करने का अवसर मुझको मिला, और नितिन गडकरी जी के बारे में मेरी अपनी मान्यता है कि भाई ये न शब्द नहीं जानते, इनके डिक्शनरी में नो नहीं है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों की बात पर आप नो नहीं कहेंगे, ससमय हां कहेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे तौर पर समर्थन
और आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त है और बिहार के लोगों की बड़ी भारी अपेक्षा जो फिर से गठबंधन बना है, सब लोगों के दिल में यही अपेक्षा है कि अब विकास बहुत तेजी से होगा और मुझे खुशी है उसी की शुरुआत आप यहां से कर रहे हैं और आगे और तेज गति से विकास होगा, न्याय के साथ विकास होगा, बिहार ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उल्लास उत्साह के लिए भी आप सबका अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी जो यहां मंचासीन आदरणीय राज्यपाल महोदय का और सभी मंचासीन नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नई सीवरेज और नेटवर्क योजनाओं से गंगा माँ स्वच्छ होगी, हरियाली और खुशहाली की छटा दूर दूर तक बिखर जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं से जिंदगी के रास्ते सुगम होंगे, घर घर समृद्धि के दिए जलेंगे। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया नई सीवरेज योजनाओं की शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण करें। दाएं वाले रिमोट के बटन को दबाकर माननीय, दाया वाला बटन है, जी हाँ, बेनूर एसटीपी, बेऊ सीवरेज नेटवर्क, सैदपुर एसटीपी और नेटवर्क करमली चक एसटीपी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हमारी आपसे अनुनय है कि कृपया राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं की शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण करें। बायां वाला रिमोट का बटन दबाकर माननीय, बाएं साइड में, जी हाँ, अब रास्ते सुगम होंगे और सरल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, ये दीपावली की शुभ सौगात आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज गंगा और तिरंगा दोनों ही गौरवान्वित हैं। विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले नए भारत के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गंगा को स्वच्छ करना गंगा माँ, भारत माँ और भारतवासियों की सेवा करना है। माननीय, आज की शुभ शुरुआतों के द्वारा आपने इस क्षेत्र की समृद्धि के संपूर्ण रास्ते खोल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रगति प्रकाश के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सभी को प्रेरणा दें, हम सभी को शुभकामनाएं दें, हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान सत्यपाल मलिक जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और आज के विकास के इस गंगा को यहां कर लेकर आए हुए श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्री रामविलास पासवान जी, यहां के उपमुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, मंच पर विराजमान केंद्र के सभी मंत्रिमंडल के मेरे साथी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, यहां मंच पर और नीचे बैठे हुए सभी आदरणीय सांसद महोदय, विधायकगण, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सब मोकावासी के प्रणाम। भगवान परशुराम की पावन धरती पर अपने सबके सादर प्रणाम। हमें मोकामा में आके बन्ने हो गेलियो,
पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, छठ पूजा की भी तैयारियां चल रही है। आप सबको दीपावली और छठ पूजा की मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और इस पावन पर्व पर करीब करीब 4,500 करोड़ रुपयों के विकास की सौगात भी आज इस बिहार की धरती को मिल रही है। भाइयों बहनों, अभी हमारे गडकरी जी कितने प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किए हैं और वो भी रोड के क्षेत्र में, रास्ता बनाने में, उसका वर्णन कर रहे थे और वर्णन इतना लंबा था कि मैं देख रहा था आप भी हैरान थे कि इतने कम समय में बिहार का भाग्य बदलने के लिए इतनी सारी योजनाएं लागू की जा सकती है, ये हमने करके दिखाया है। मैं नीतीश जी का और उनकी पूरी टीम का भी हृदय से आभारी हूं कि भारत सरकार की सभी योजनाओं को हर प्रकार का उनका सहयोग रहा, समर्थन रहा। हमारी कठिनाइयां होती हैं तो दूर करने की चिंता करते हैं और एक प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के आज बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और परिणाम नजर आने लगा है। नीतीश जी ने कई विषयों को स्पर्श किया, वे मुख्यमंत्री तो है लेकिन उनका लगाव इस क्षेत्र में इतने सालों तक सांसद रहने के कारण आपके प्रति उनका इमोशनल लगाव है और इमोशनल लगाव होने के कारण उनके मन में तड़पन होना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डिकना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। मैं उनकी इस भावना का आदर करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार बिहार के कोटि कोटि जनों के सपनों को पूरा करने में कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलेगी और विकास की यात्रा को नई ऊंचाइयां पर ले जाएगी। भाइयों बहनों, आज मुझे मोकामा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जिस पुल के निर्माण का आज शिलान्यास हुआ है, मुझे हमारे नितिन जी जब ऊपर आ रहा था तो उसकी डिजाइन दिखा रहे थे, उसका मॉडल दिखा रहे थे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का ब्रिज ये पूरे बिहार के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और ये पुल बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण जी की कर्मभूमि बेगूसराय को राजधानी पटना के साथ जोड़ने वाला ब्रिज है। बेगूसराय को रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर और बैरोनी डेयरी स्थापित कर बिहार की औद्योगिक राजधानी बनाने वाले ऐसे श्री बाबू को भी आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज मैं उस धरती पर आया हूं
जहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर वो तीर्थधाम है, शिक्षा का वो क्षेत्र है जिसने राष्ट्रकवि दिनकर जी का बालकाल में संस्कार संक्रमण किया था। और जब दिनकर जी की याद आती है तो उनकी भावनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। अंधश्रद्धा से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाती हैं। दलित, पीड़ित, शोषित, गरीब, वंचित, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, उनके प्रति एक आदर का भाव जगाने की प्रेरणा दिनकर जी की भाव अभिव्यक्ति में हम महसूस करते हैं। जिस धरती पर दिनकर जी पले बढ़े और जिनका जन्म स्थान भी नजदीक में ही है, वो दिनकर जी ने कहा था, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। अंधश्रद्धा के खिलाफ चोट पहुंचाते थे, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों, राज प्रासादों में, तहखानों में, अरे देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। आज जिन रास्तों का निर्माण का प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां वही भगवान जो गिट्टे तोड़ने वाले, हमारा भाग्य बनाने वाले हैं। और भारत सरकार दिनकर जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए ये अहम कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, ये जगह भगवान परशुराम की तपोस्थली भी है। प्राचीन काल के 3 महाजनपद अंग, मगध और मिथिला के संगम पर अवस्थित मां गंगा का पवित्र सिमरिया तट का गौरवशाली इतिहास कोई भूल नहीं सकता है। इस मन से इस पवित्र सिमरिया तट को आज मुझे नमन करने का सौभाग्य मिला है, मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। ये वो धरती है जो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, जिनके नाम पर कुछ ही दूरी पर प्रति वर्ष मेला लगता है, लोग उमड़ पड़ते हैं, मैं ऐसी इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जितने लोग ये पंडाल में जगह मिली है, उससे 2 गुना 3 गुना लोग बाहर हैं। ये सारे लोग ताप में तप रहे हैं, कितने लंबे समय से तप रहे हैं, इतना कष्ट उठा करके भी आज हम सबको आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबको भी नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बिहार वासियों, ये आप जो तप कर रहे हैं, तप में तप रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत सरकार और राज्य सरकार आपकी इस तपस्या को कभी बेकार नहीं जाने देगी।
हमारे देश में ऐसे भी लोग हो गए जिनकी सोच देश को पीछे ले जाने का कभी कारण भी रही थी। अगर कोई अच्छी सड़क बनाने की बात करें तो मैंने ऐसे नेताओं का अखबारों में पढ़ा करता था, कभी वो कहते थे सड़क की क्या जरूरत है, सड़क तो मोटर कार वालों के चाहिए, हम गरीबों के पास गाड़ी कहां है, हमको रोड की क्या जरूरत है, सड़क की क्या जरूरत है। ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग, उन्होंने देश को जितना तबाह किया है शायद उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज किसी भी गांव में जाइए और अगर सड़क नहीं है, मुझे एमपी भी मिलने आते हैं तो यही कहते हैं साहब मेरे इलाके में अभी कुछ गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बाकी रह गई है, इस बार हमारे यहां प्रायोरिटी दीजिए। गांव के नागरिक जब भी मिलते हैं उनकी मांग रहती है कि हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दीजिए। भाइयों बहनों, पिछले 3 साल में हमने बजट में इतनी बढ़ोतरी कर दी, हमने काम में इतनी तेजी लाई कि पहले जितने रोड बनते थे एक दिन में, आज उसके डबल रोड बनाने की दिशा में हम सफल हुए और गांवों के जीवन को बदलने के लिए ये रोड बनाने का काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ ग्रामीण सड़क पर्याप्त नहीं है, हमें बड़े बड़े आर्थिक जो सेंटर होते हैं, जो ग्रोथ सेंटर होते हैं, जहां इकोनॉमी ड्राइव करती है, उसको भी इंटीरियर स्थानों के साथ हमें रोड कनेक्टिविटी से जोड़ना जरूरी है। आज जो हजारों करोड़ रुपयों की योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं वो सिर्फ उस पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए नहीं है, ये सड़क का निर्माण यहां के आर्थिक जीवन को बदल करने के लिए है, यहां पर समृद्धि उसी रोड से खींच करके लाने के लिए हमारा प्रयास है। और रास्ते ही होते हैं जो समृद्धि को खींच करके लाते हैं और समृद्धि का इलाका निर्माण करने में योगदान करते हैं। भाइयों बहनों, गंगा हम सबका जीवन उससे जुड़ा हुआ है, अगर आज मां गंगा न होती तो पता नहीं हमारा पूरा भूभाग वहां की कैसी भयंकर स्थिति होती। लेकिन उस गंगा को कभी बचाने के लिए हमने प्रयास नहीं किए, हमने उदासीनता बरती। गंगा को बचाना हमारी भावी पीढ़ियों को बचाना है। गंगा को निर्मल करेंगे तो गंगा को अविरल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करके गंगा की सफाई पर लगी है। और ये सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, एक बार नदियों के प्रति फिर से एक बार वही श्रद्धा भाव जगेगा, नदियों को बचाने की पहल चलेगी, हिंदुस्तान की हर नदियों के प्रति जागरूकता आएगी, भारत में भविष्य में पानी के संकट से अगर बचना है तो यही मार्ग है जिसको हमने गंभीरता से लेना होगा। और इसीलिए गंगा सफाई के जो अभियान चल रहा है, गंगोत्री से लेकर के बंगाल सागर तक जो भी राज्य इसके साथ जुड़े हैं उनके अलग अलग भाग कर करके गंगा गंदी ना हो, सबसे पहली प्राथमिकता उस पर दी गई है। गंगा में जाने वाले गंदे पानी को, केमिकल वाले पानी को रोकने की दिशा में अभियान चला है। आज बिहार में एक साथ अनेक विद इस प्रोजेक्टों का भी शिलान्यास हो रहा है,
जो आने वाले दिनों में मां गंगा को हम जैसी श्रद्धा भाव रखते हैं उसी रूप में देखने को मिलेगा। और जब मां गंगा हमारे सपनों के अनुरूप होगी तब छठ पूजा का आनंद भी कुछ और होगा, वो भक्ति का भाव भी कुछ और होगा। भाइयों बहनों, पिछले दिनों भारत के रेल मंत्रालय ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन चलाई है, जिसका लाभ ये दिवाली और छठ पूजा में भरपूर मिलने वाला है। मुंबई से गोरखपुर ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस, देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस, और अभी एक सप्ताह पहले मैंने सूरत से पटना जयनगर तक दूसरी अंत्योदय एक्सप्रेस को भी वहां से मैंने हरी झंडी दी है। विदाउट रिजर्वेशन गरीब से गरीब व्यक्ति लास्ट मोमेंट दौड़ करके आके अंदर बैठ सकता है, अपने घर जा सकता है, ये व्यवस्था की है। महामना एक्सप्रेस बड़ौदा से बनारस तक जोड़ी है। सूरत में काम करने वाले लोग, बड़ौदा में काम करने वाले लोग, अंकलेश्वर में काम करने वाले लोग, महाराष्ट्र में काम करने वाले लोग दिवाली और छठ पूजा के त्योहार पर अपने घर आराम से पहुंच सके, इसलिए बहुत तेजी करके इन्हीं दिनों ये चार महत्वपूर्ण ट्रेन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है, जिसका लाभ दिवाली में और छठ पूजा में आपको अवश्य मिलने वाला है। भाइयों बहनों, अभी नीतीश जी हमारे बता रहे थे, हमारे गडकरी जी ने जो खाका बताया आपके सामने, शायद देश आजाद होने के बाद इतने कम समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा काम बिहार की धरती पर कभी नहीं हुआ होगा। अकेले रोड के काम अभी नितिन जी बता रहे थे 53,000 करोड़ रुपयों के काम या तो मंजूर हो गए या तो काम चालू हो गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत सुविधाएं ये कितना बड़ा परिणाम लाएगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। हम ये बात भली भांति जानते हैं कि आने वाला युग बिना कनेक्टिविटी विकास यात्रा को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, गैस ग्रिड चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, शुद्ध पानी की नलियां चाहिए। ये कनेक्टिविटी ये गरीब से जुड़े हुए विषय है, और इसमें हमारे गडकरी जी के नेतृत्व में वॉटरवे का भी अभियान चला है। अगर एक बार वॉटरवे को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, आप देखिए नदी का महत्व भी, जो आर्थिक विषयों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी श्रद्धा भाव से नदियों से जुड़ने के लिए आगे आए बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसा बदलाव ये वॉटरवे के कारण देश के आर्थिक क्षेत्र में माल ढोने की व्यवस्था में कम से कम खर्च में माल पहुंचाने से गरीब को सस्ते में सस्ता चीजों को उपलब्ध कराने का काम ये मां गंगा के पट पर वॉटरवे के द्वारा ये संभव होने वाला है। जिस जमाने में अंग्रेज वॉटरवे का उपयोग करते थे तभी हमारा मोकामा मिनी कलकत्ता के रूप में जाना जाता था। एक बड़े आर्थिक और ट्रांसपोर्टेशन की गतिविधि का केंद्र बन गया था। ये शोहरत फिर से हासिल कराने का भारत सरकार ने बीड़ा उठाया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शोहरत हम वापिस ला के रहेंगे। पिछले दिनों हमने देखा होगा
कि हमने जिन गांवों में बिजली नहीं है उन गांवों में बिजली पहुंचाने का एक बड़ा अभियान उठाया। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, 1,000 दिन में पूरा करने का सपना लेकर चले हैं। अभी कुछ महीने अभी बाकी है, लेकिन अब तक करीब 15,000 से ज्यादा गांव बिजली पहुंचा चुके हैं और जो 2,500-3,000 गांव बाकी हैं उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। लेकिन उसके साथ अभी हमने एक प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना लागू की है। ये प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, मैं बिहार से आग्रह करूंगा आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। ये प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ये है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के जिसके भी घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देंगे। झुग्गी झोपड़ी होगी तब भी उसके घर में लट्टू जलेगा। पहले कोई बिजली मांगता था तो सरकार कहती थी कि उधर खंभा है, उस खंभे से यहां पर आना है तो 10 खंभे और लगाने पड़ेंगे, इतना तार लगाना पड़ेगा, इसका करीब 30,000 रुपया खर्चा होगा, अगर तुम 30,000 रुपया दोगे तब बिजली का कनेक्शन मिलेगा। तो निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को कहता था भाई मुझे बिजली नहीं चाहिए, मैं 30,000 रुपया नहीं दे सकता। लोग बिजली नहीं लेते थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है अब हिंदुस्तान का कोई भी परिवार 18वीं शताब्दी के अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा, मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा। खंभे डालने पड़ेंगे तो सरकार डालेगी, तार लगाने होंगे तो सरकार लगाएगी और उसके घर तक बिजली ले जाएंगे। कनेक्शन पहली बार जो कनेक्शन दे देंगे, मुफ्त में कनेक्शन दे दिया जाएगा ताकि वो अपने घर में बच्चों की शिक्षा के लिए, जीवन के लिए सोचे, नए तरीके से सोचे और बदलाव की दिशा में आगे बढ़े। भाइयों बहनों, ये सरकार की एक विशेषता है। और आप 3 साल के बाद हमारी आलोचना करने वालों को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है। पहले सरकारों की आदत हुआ करती थी चुनाव को ध्यान में रखकर के योजनाओं की घोषणा करना और फिर लोगों को योजनाएं भुला देना। आज दिल्ली में ऐसी सरकार हमारी चल रही है कि हम जिस योजना की कल्पना करते हैं उसका रोड मैप भी तैयार करते हैं और हमारी आंखों के सामने समय सीमा में उन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार जी जान से जुट जाती है, संसाधन इकट्ठे करती है। आपने देखा होगा गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन, आज देश में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को, गरीब से गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर पहुंच गया, वो गैस के चूल्हे से रोटी बनाने लग गए। आने वाले 2 साल में 2 करोड़ परिवारों को और देने का सपना है, वो भी हम समय सीमा में पूरा करके रहेंगे और गरीब के जिंदगी में बदलाव लाएंगे। हम जो स्वच्छता का अभियान लेकर के चले हैं, ये स्वच्छता का अभियान मेरे लिए, उसके लिए मेरे दिमाग में मेरी गरीब माताएं बहनें हैं। और मैं हर किसी को कहूंगा, सरकार में बैठे मुलाजिमों से कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे नौजवान से कहना चाहूंगा, आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से कहना चाहूंगा, पल भर के लिए सोचिए, उन मां बहनों के लिए भी सोचिए जो मां बहनें गांव में रहती है, शहर की झुग्गी झपड़ी में रहती है और खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है, उन्हें शौचालय नहीं है।
वो क्या करते हैं, सूरज उगने से पहले अंधेरे में घर से बाहर जाकर के अपनी प्रातः विधि करके सूरज उगने से पहले घर लौट आती है। और एक बार सूरज उग गया और कभी दिन में उसको जाने की जरूरत पड़ गई तो रात को सूरज ढलने तक वो इंतजार करती है, और जब अंधेरा होता है शरीर को पीड़ा देती है, पीड़ा सहन करती है और बाद में वो शौच के लिए जाती है। मेरी इन गरीब माए बहनों की तबीयत पर कितना दुष्प्रभाव होता है। हमारी मां बहनों का हाल क्या होते होंगे। और इसलिए मैं विशेष रूप से हिंदुस्तान के सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि अगर हमारे दिल में हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत, उनके स्वास्थ्य की चिंता या अगर हमारा दायित्व है तो हम शौचालय बनाने में कोई भी लापरवाही न करें, उसको एक ईमानदारी से आगे बढ़ाएं, इसको पूरा करने का प्रयास करें। आज देश में 5 करोड़ परिवारों को शौचालय से जोड़ा है, जहां देश में 50% से भी कम स्वच्छता की व्यवस्थाएं मौजूद थी, आज करीब करीब 80% से ज्यादा पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। लेकिन हमें इसे और आगे बढ़ाना है, और इसलिए मैं विशेष रूप से मेरे बिहार वासियों से आग्रह करता हूं कि आप ये जिम्मेवारी लीजिए अपने गांव में। आज देश में करीब 2.5 लाख गांव खुले में शौच से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। मैं बिहार को निमंत्रण देता हूं, आइए हम भी अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करें, अपनी तहसील को खुले में शौच से मुक्त करें, अपने जिले को खुले में शौच से मुक्त करें, और आने वाले कम समय में जिस धरती पर महात्मा गांधी ने चंपारण का सत्याग्रह किया हो, जिस धरती पर महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया हो, जिस धरती पर महात्मा गांधी ने स्वावलंब का पुरुषार्थ दिया हो, ऐसी धरती आज देश आपसे अपेक्षा कर रहा है। आप इसमें भी अगुवाई कीजिए और बिहार को नई ऊंचाइयों पर, और ये जन समर्थन के बिना संभव नहीं होता है। सिर्फ सरकारी खजाने से काम नहीं होते हैं, जब जनता जनार्दन तय कर लेती है तो काम अपने आप हो जाते हैं, और इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आशीर्वाद दिया, मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम विकास के जिस मॉडल को लेकर चल रहे हैं उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये सारे इलाके ये विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। आपके यहां फर्टिलाइजर के कारखाने को हमने आगे बढ़ाने की दिशा में काम उठाया है, इसका परिणाम मेरे किसानों को भी मिलने वाला है, और इसलिए इस विकास की यात्रा में आप सब जुड़े, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सब मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की अस्मिता के रक्षक और देश का गौरव बन गए हैं। बहुत बहुत आभार दीपावली की यह सौगात इस भूमि को देने के लिए। माँ गंगा स्वच्छ होगी, पथ अब पर्व बन रहे हैं। हिंदुस्तान के स्वाभिमान, माननीय प्रधानमंत्री जी का पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद। पीढ़ियों से हमें पालने वाली माँ गंगा को शत शत प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेषित किया। आप सभी से निवेदन है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अनुशासन बनाकर रखें और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने ही स्थान पर रहें। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं आज हम सभी को प्रेरणा ऊर्जा देने के लिए, दीपावली की खुशियां देने के लिए। हृदय से धन्यवाद।